पठान मूवी लगा हुआ है और इस मूवी के बारे में फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा, बहुत अच्छा है मूवी। लोगों का कहना कि कोई विरोध करता है तो कोई समर्थन देता है शाहरुख खान का, तो क्या है अभी चल के देखते हैं। देखिए अब हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे, आप लोगों को ले जा रहे हैं पठान मूवी देखने के लिए। आज छुट्टी में है, चलते हैं। समझ रहे हो ना। देखिए रोड कितना शानदार है, चारों तरफ से खेत ही खेत है, हरी भरी खेत। ये पीपल का पेड़ और शोभा बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग यहाँ से जो है ना आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद एक नहर मिला है, सोच रहे हैं नहर का थोड़ा सा दृश्य दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखिए नहर है और इसमें पानी जा रहा है और ये नहर चालू है और यहाँ पर इस आसपास में रोड के उस साइड, ये नहर के उस साइड और नहर के इस साइड भी खेत खलिहान है जिससे फसल में पानी दिया जाता है। इसीलिए इस नहर के पास आए हैं कि कोई सरसों का खेत मिल जाए हमें। कुछ दूर और आगे चलकर देखते हैं कि कैसा व्यू मिल रहा है दोस्तों। इस नहर पे एक बाइक जा रही है, वो उस पार से जा रहा है। इस पार से आते तो इस गांव के बारे में उनसे कुछ पूछते भी। अरे हाँ है, वहाँ पर दिख रहा है एक खेत है, हम लोग वहीं खेत के पास चलेंगे, देखते हैं कैसा है सरसों का खेत। तो वहाँ पर दिख रहा है तो अभी चलते हैं दोस्तों सरसों का खेत। आ गए हैं, थोड़ा दूर और बचा है। यहाँ पर देहात में घूमने का मजा ही कुछ और है। यहाँ प्रकृति का शानदार नज़ारा, शानदार सा व्यू और शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये देखिए हम आ गए हैं फाइनली सरसों के खेत में, बहुत ही लाजवाब सा व्यू मिल रहा है दोस्तों इस सरसों के खेत में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये देख लीजिए पाइप द्वारा जो है पानी खेत को सींचा जा रहा है, इसमें पानी जा रहा है और अभी सब खेत में जो है पानी पड़ रहा है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ सरसों के खेत में आ गए हैं, आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा सरसों का खेत है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी धूप निकला हुआ है तो अच्छा अनुभव मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप लोग भी इस मौसम में ये खिल रहे सरसों का खेत का जाके और मज़ा लीजिए, वहाँ पर जाके सेल्फी लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सेल्फी आएगा दोस्तों। और ये प्रकृति का चीज़ है, अनोखा चीज़ है, इस मौसम में फरवरी के महीने में इस तरह का खेत आपके भी आसपास में हो सकते हैं दोस्तों। आप लोग वहाँ जाइए और सरसों के खेत में फ़ोटो खींचिए और वीडियो बनाइए और YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर, सोशल मीडिया पर छा जाइए दोस्तों। तो हमारा वीडियो आज का कैसा लगा दोस्तों? आप लोग जो है हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अभी इधर से खेत से गुजरे, अब जा रहे हैं रोड पर, हमारी बाइक लगी हुई है, फिर हम लोग वहाँ से चलेंगे और आप लोगों को यूनिक चीज़ कोशिश करेंगे लाकर दिखाने के लिए। तो सीधे चलते हैं अपने बाइक पर क्योंकि चलेंगे पठान मूवी देखने के लिए दोस्तों। तो अभी हम लोग यहां से जो है ना आगे की ओर जा रहे हैं। आप दोस्तों आप लोग एसपी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं पठान मूवी दिखाने के लिए, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। इस मूवी के बारे में बहुत तरह के चर्चा चल रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे, तो इसीलिए सोचा हमने कि जो इस मूवी में क्या खास बात है चलकर खुद देखें और अपने सभी दर्शकों को इसके बारे में बताएं। अरे हम तो अब हम लोग जो है मार्केट घुस गए हैं और यहाँ पर ये पठान मूवी लगा हुआ है और इस मूवी के बारे में फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा, बहुत अच्छा है मूवी। लोगों का कहना कि कोई विरोध करता है तो कोई समर्थन देता है शाहरुख खान का,
तो क्या है अभी चल के देखते हैं। रुकिए, अब हम खुद अपनी आँखों से देखेंगे, उसके बाद बताएंगे दोस्तों कि क्या इसमें खराबी है और क्या बुराई है। और दोस्तों हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं प्रशांत चित्रालय सहरसा में, और चलते हैं देखते हैं हॉल का नज़ारा कैसा है। ये पठान मूवी का पोस्टर लगा हुआ है, इसकी हकीकत जानते हैं। और पब्लिक यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पब्लिक लोग एंट्री हो रहा है। हम लोग का ऑनलाइन टिकट है, अंदर जाएंगे। और हम लोग यहाँ पर फाइनली हॉल के अंदर आ गए हैं। ये बालकनी है और हम लोग का टिकट बालकनी का है। बालकनी का कैसा नज़ारा है, व्यू है, दिखाते हैं। सजा है हम है बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, सब है जो है वो समा है। तो देख लीजिए दोस्तों, हम लोग का सीट एकदम फाइनल बुक हो गया है, तैयार है, यही सीट है हम लोग का। हम दो आदमी हैं, यही दोनों सीट है हम लोग का। हाँ भाई साहब, ये मूवी कैसा? अरे मूवी कैसा है ये तो नहीं पता, लेकिन मूवी ही देखने के लिए आए हैं। मूवी देखेंगे तभी ना बताएंगे कैसा मूवी है। तो एक सवाल और था आपसे। हाँ बोलिए। ये हॉल में जो आप आए, आपको कैसा महसूस हो रहा? अरे मत पूछिए भैया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी तो मूवी देखे नहीं है, मूवी देखने के लिए आए हैं। कैसा है मूवी इसके बारे में भी आप बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आए हैं हॉल देखने। हॉल इसका बहुत अच्छा है, व्यवस्था इसका बहुत अच्छा है। ये देख लीजिए, ये सीट है हम लोग का, और इसका डिजाइन भी देख रहे हैं कितना मस्त, बहुत ही अच्छी तरह से जो है ना मैनेज करके रखा है। और ये देखिए, ये सीट है और ये क्लास होता है, ये बालकनी का क्लास। तो ये सीट का खासियत है, ये देखिए बहुत ही अच्छा है, आप लोग को दिखाते हैं। इस तरह से भी आप आराम से बैठ कर देख सकते हैं, इस तरह से जो है आराम से सो कर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। और इसको जैसे मर्जी सो कर देखिए। क्योंकि हॉल का कंडीशन बहुत बढ़िया है, लेकिन हम सीट का वो कंडीशन देख करके यहाँ देखिए, क्या चीज़ फटा हुआ, क्या है ये? अरे साला कोई उत्पाती यार का कमी है हमारे यहाँ का, लोग इतने पिछड़े का है यही सब का। इस हॉल का कोई सिक्योरिटी वगैरह तो होगा ना, जो इस सब पे ध्यान दे। कब तक देखे, कब तक देखे, घंटे पर उसको क्या नहीं। फिर भी ये हॉल वाले को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब भाई उसका प्रॉब्लम है, ये सब आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम आए मूवी देखने, हमको मूवी देखने दो, हम क्या कर रहा है नहीं कर रहा, हमको तो सीट मिल गया भैया बढ़िया। हम आए मूवी देखने, हमको मूवी देखने दो, हम क्या कर रहा है नहीं कर रहा, हमको तो सीट मिल गया भैया बढ़िया।